Good morning, student. This is exercise 6.7.2, and today is start new exercise 7.2 and start question number 1. Okay, question number first mein kya likha hai? Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. ठीक है, तो हमें इससे क्या करना है? Factorization method से इनकी हमें cube find करने हैं. तो factorization method कौन सी होती है? ये वाली होती है, आप लोगों ने पढ़ी. ठीक है, ये वाली फैक्टराइजेशन वाली मेथड होती है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे. क्या लिखा है? 64. तो मैंने बताया था जो क्यूब होता है उसमें 3 3 के पेयर बनते हैं. ठीक है, तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16. फिर 2 से 2 4 जा 8. फिर उसके बाद 2 से तो 2 2 जा 4. फिर 2 से 2 बन जा 2. अब इसमें पेयर कितने के बनते हैं? मैंने आपको बताया था 3 3 के पेयर बनते हैं, तो 1 पेयर ये बना तो मैंने 2 लिख लिया. उसके बाद 1 पेयर ये बना 3 का, तो मैंने 2 ये लिख लिया. तो 2 और 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4. तो बस ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा. मीन्स जो 64 दिया है वो किसका क्यूब होता है? ये होता है 4 का क्यूब. ओके, 64 जो क्वेश्चन था वो होगा 4 का क्यूब. ओके स्टूडेंट, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड, इसी मेथड से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर इसी का हम सेकंड ले लें, तो क्या लिखा है? 512. तो यहाँ आप देखें 512 लिखा है. ठीक है, तो 512 को करते हैं सेकंड, ये वाला. तो 512 तो डिवाइड हम किससे करेंगे? 2 से ही करेंगे पहले. तो 2 2 या 4 बचा 1 तो 11 हो गया, 2 5 या 10, फिर 1 बचा तो 2 6 या 12. फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो 2 1 या 2, 5 है तो 2 2 या 4 बचा 1 तो यहाँ 16 हो गया, 2 8 या 16. फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2 6 या 12 ये 8 लिखा है, 2 4 या 8. फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2 3 या 6, 2 2 या 4. फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो 2 1 या 2, 2 6 या 12. देन फिर से 2 से तो 2 8 या 16. फिर 2 2 4 या 8. और उसके बाद एक टर्म और बचा है, ये 4, तो इसमें भी 2 से करेंगे, 2 2 जा 4. और फिर 2 1 जा 2, ये यहाँ पे बना गया. अब पेयर आप देखें, पेयर कितने कितने के बनने हैं हमारे? 3 3 के. तो 1 पेयर जो है वो एक ये पेयर यहाँ तक ही बन गया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया. ओके, फिर देन सेकंड पेयर ये बना, तो ये पेयर मैंने यहाँ का 2 लिख लिया. फिर लास्ट पेयर जो है देखो, ये वाला 2 और 2 ये 3 का पेयर बना, तो ये 2 मैंने ये लिख लिया. अब मैंने कहा मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो क्या आया? 8. तो मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? 8. यानी ये 512 है, ये किसका क्यूब होगा? 8 का क्यूब होगा. तो बस आंसर हमारा क्या होगा? 8. ओके स्टूडेंट, ये ऐसे करने हमें. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे, बाकी जो हैं वो आपके होमवर्क में रहेंगे आपको सॉल्व करने. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे.